सलाम, आज हमने जो डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव को, एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। आइटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज, क्योंकि वो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए वो स्टेबल होना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो एटम रिएक्ट करते हैं। तो 1 वाले का सी है, 2 वाले का एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल विल अचीव नोबल 11 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बाय। 6 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे अटेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके या गेन करके? 6 उसके पास पहले से ही है, तो ये बात तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन 2 गेन करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगी, मतलब कंप्लीट होगा ऑक्टेट, ठीक है, तभी 8 पूरे होंगे ना। तो दैट इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 वाले का सी। 3 वाला, कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम्स विच एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर विल बी द मोस्ट स्टेबल वन। बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है एटम की, इनमें से कौन सा एटॉमिक नंबर ज़्यादा स्टेबल होगा? तो 10 वाला, क्योंकि पहले वाले में 2 आ जाएंगे, लास्ट वाले में 8 आ जाएंगे, ठीक है। पहले वाले, अब ये देखें ना, इस तरह से अगर शेल्स होंगे तो पहले वाले में 2 तो आएंगे ना, ठीक है। अगर 8 होते हैं तो पहले वाले में 2, लास्ट वाले में 6 आ जाते, लेकिन अगर पहले वाले में 2 और लास्ट वाले में कितने, 8, तो दिस इज द स्टेबल कॉन्फिगरेशन, 10 वाला 3C। ऑक्टेट रूल इज अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। 4 वाला डी। 5, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स रिजल्ट इन, ठीक है, कि किस तरह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो म्यूचुअल शेयरिंग में तो नहीं होता, ठीक है, और ये आयनिंग में ही होता है, कि एक में दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो एक के पास प्लस चार्ज आ जाता है, दूसरे के पास जो गेन कर रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिस तरह से सोडियम क्लोराइड है पॉजिटिव और नेगेटिव, इससे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो 5 वाले का बी, ठीक है। 6 वाला, वैन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन विद एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करता है, तो ये किस तरह की बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो ऑप्शन है 6 वाले का बी। 7 वाले का, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू नॉन मेटल, नॉन मेटल के दरमियान में, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान में हो गया, क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान में हो गया, तो सेम एटम्स है, ठीक है, सेम एटम्स हैं, ठीक है, दोनों के जो हैं वो क्या हैं, सेम एटम्स हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, ए वाली, ठीक है। उसके बाद 8, अब बॉन्ड पेयर एंड कोवलेंट मॉलिक्यूल यूजुअली हैज बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर की बात हो रही है, ये बॉन्ड पेयर, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर एटम का, एक इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर एटम का, तो बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 वाला आ गया बी, ठीक है। उसके बाद 9, 9 पे चलेंगे, ए विच ऑफ द फॉलोइंग का कंपाउंड इज नॉट डायरेक्शनल इन इट्स बॉन्डिंग, ठीक है, कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है वो डायरेक्शनल नहीं है अपनी बॉन्डिंग में, तो वो है के बी आर, के बी आर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। 9 वाले का है बी। 10 वाला, आइस फ्लोट्स ऑफ वाटर बिकॉज, आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है, क्योंकि वाटर इज आइस जो है, यानी कि जो बर्फ है वो पानी के ऊपर तैरती है, क्यों, क्योंकि आइस वो लेस डेंस है एज कम्पेयर टू द वाटर। तो आंसर है 10C। 11, 11, 11, कोवलेंट बॉन्ड इन वॉल्स, कोवलेंट वॉल में क्या, बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो 11C। उसके बाद है 12, हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड डज C2H2 मॉलिक्यूल हैव, C2H2 ये है भैया आपके पास, C2H, ये आपके पास C और H2, तो कार्बन कार्बन के दरमियान में 3 बॉन्ड आएंगे, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इथाइन अल्काइन जो भी आप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कितने कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो 12 का आंसर आएगा D, ठीक है। 13, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन वर्ब्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो 6 होते हैं, तो इसका आंसर आएगा 13B। 14, विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स है सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड किस में होंगे,
सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है वो किस में होंगे, ओ टू में एंड सी टू एच फोर में, ठीक है। कैसे, ये ओ टू, ठीक है, उसके बाद सी टू, ये सी टू और ये एच टू, ठीक है जी। सी टू एंड एच फोर, कार्बन कार्बन, ठीक है, और चार हाइड्रोजन, ओ टू एंड सी टू एच फोर, इनके दरमियान में सेम नंबर ऑफ, सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है, यानी कि म्यूचुअल वाले होंगे। उसके बाद ये है जी, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज़ नॉट सॉलिबल इन वाटर, वाटर में जो सॉलिबल नहीं है तो वो बेंजीन है। 14 वाले का आप लगाएंगे सी, 15 वाले का आप लगा देंगे ए, 16 वाले का बीच में, द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, तो बी एफ थ्री मतलब बी, ठीक है। 17, आइडेंटिफाई विच पेयर हैज पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड किस में है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो किसके अंदर है, एच टू ओ एंड एच सी एल के अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। एच टू ओ ये भी पोलर है, ठीक है, पोल जनरेट करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एच सी एल ये भी पोल जनरेट करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो डी वाला 17 डी। उसके बाद 18 वाला आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम्स, तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स सबसे वीक है, 18 सी। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाई डू एटम्स रिएक्ट, एमसीक्यूज में हम डिस्कस कर चुके हैं स्टेबल होने के लिए। दूसरा वाला है, व्हाई इज द बॉन्ड बिटवीन एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पहला वाला हो गया, ठीक है। दूसरा वाला, व्हाई द बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, आयनिक की नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डोनेशन इलेक्ट्रॉन का गेन होता है इस वजह से, ठीक है। थ्री वाला, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड जस्टिफाई, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से ये सॉलिड्स होते हैं। उसके बाद फोर्थ वाला है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कैन फॉर्म बॉन्ड्स बिटवीन देमसेल्फ जस्टिफाई, यस, क्योंकि इन्होंने अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट करना होता है तो ये बॉन्ड बना सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई, क्योंकि इनमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, फ्री आइंस जो है वो मौजूद होते हैं। सिक्स वाला, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन ऑफ मोल्टन फॉर्म, वाई, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस वजह से। उसके बाद यह है, व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, किस तरह का बनता है, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, टाइप्स पूछी गई है ना, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ए, डिफरेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर एंड नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर वो होता है जो एटम के ऊपर प्रेजेंट रहता है और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, और बॉन्ड पेयर वो जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद नाइन वाला, डिस्क्राइब एटलीस्ट टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, पहली तो ये कि दोनों को इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, लेस डिफरेंस ऑफ, इनमें जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होना चाहिए, बॉन्डिंग एटम्स को, बॉन्डिंग जो एटम है उनमें चार इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मस्ट, कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए कंडीशन है। उसके बाद 10 वाला, वाई, एच सी एल हैज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, के एच सी एल के डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्यों, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वाले में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये पोल्स जनरेट करते हैं, ठीक है, इस वजह से। उसके बाद, व्हाट इज अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है वो बताना है आपने, साथ में आपने इसकी एग्जांपल दे देनी है, ठीक है। उसके बाद, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, ये आपको मिल जाएगा इस टॉपिक के अंदर, पोलर एंड नॉन पोलर वाले में, ठीक है, साथ में इसकी एग्जांपल दे दीजिएगा। कोवलेंट बॉन्ड बिकम पोलर ड्यू टू द सम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये पोलर होते हैं। उसके बाद ये है, व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर, तो ये आपको मैंने बता दिया उसकी डेंसिटी की वजह से। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, ये आपने की हुई आयनिक कंपाउंड वाले में, ठीक है, वो कर दे इसके अंदर। उसके बाद, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपर्टीज टू कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बतानी है, ठीक है, हो गया जी। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर द आयनिक कंपाउंड्स, सारे के सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हुए हैं, ठीक है। अगर कोई भी लेक्चर मिस है इसका तो बिल्कुल आप बाय केमिस्ट्री विद कंसेप्ट लिखिए, टॉपिक के साथ आपको टॉपिक मिल जाएगा। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लेक्चर के थ्रू कंप्लीट हो चुके हुए हैं, फिर भी कोई इशू हो तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बी श्योर टू लाइक।